वहीं प्रधानमंत्री अलीगढ़ में करीब 100 एकड़ में बनने वाली राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये विश्वविद्यालय लोधा गांव में बन रहा है और इसके बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। जनसभा स्थल पर विशाल वाटर प्रूफ विशाल काय मंच लगाया गया है, इसमें 30 LED स्क्रीन भी लगाई गई है। इसके अलावा करीब 500 कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। वहीं पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। SPG पैरा मिलिट्री फोर्सेस से लेकर पुलिस और PSC चप्पे चप्पे पर निगाहें रखे हुए हैं। पीएम मोदी का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे के करीब प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अलीगढ़ को डिफेंस कॉरिडोर की सौगात देंगे। 200 एकड़ में बनने जा रहे डिफेंस कॉरिडोर में 19 इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने की योजना है। इस बीच पीएम मोदी के दौरे से पहले कल सीएम योगी ने शिलान्यास की तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। SPG की चप्पे चप्पे पर निगाहें हैं, अर्धसैनिक बल और इसके साथ ही पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। हमारे दोस्त सहयोगी इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर दोनों हमें अपडेट करेंगे, हमें तमाम नई जानकारियां देंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का भी आज उसकी आधारशिला रख रहे हैं प्रधानमंत्री और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले नितिन के पास चलेंगे। नितिन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम अहम तथ्य ABP गंगा ने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं जब से ये कंसेप्ट पब्लिक डोमेन में आया है और आप भी लगातार इस पर रिपोर्ट करते रहे हैं। आज इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इसकी आधारशिला ठीक कितने बजे रखने का कार्यक्रम है, चूंकि उसका मुहूर्त भी होगा निश्चित रूप से, और कैसे कार्यक्रम आज आगे बढ़ेगा इससे जुड़ा हुआ? देखिए राजेंद्र, युवाओं को शिक्षा और देश की रक्षा, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है और यही वजह है कि दो बड़े कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज देने जा रही है। अलीगढ़ की जनता को ये सौगात है, इससे न केवल अलीगढ़ बल्कि कई सारे जो जिले हैं पड़ोस के जिले हैं उनको भी कहीं ना कहीं के साथ ही तमाम जो कहा जाए रोजगार को लेकर भी जो डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हो रही है अलीगढ़ में, उसमें भी बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और यही वजह है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य बनाने की कोशिश की गई है और कहा जा रहा है कि अलीगढ़ के इतिहास में इतना बड़ा सरकारी कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है और यही वजह है कि 1 से लेकर 1.5 लाख लोगों की भीड़ की यहाँ जुटने की पूरी तरह से उम्मीद है। और अब मैं बाहर का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ कि किस तरह का माहौल है। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुख्ता यहाँ नज़र आ रही है और लोगों का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है पूरे इलाके में। कुल मिला के ये वो इलाका है जो अभी हाल ही में जहरीली शराब की वजह से जो गलत वजहों से सुर्खियों में आया, अब लोधा मूसेपुर इलाके की 100 एकड़ ज़मीन पर ये यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। 200 एकड़ पर अंडला गांव में और उसके लगे हुए जो गांव की ज़मीन एक्वायर करके वहां डिफेंस कॉरिडोर दिया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ के लोगों को एक बड़ी सौगात देने की सरकार की योजना है और यहाँ से जो मैसेज है एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल मैसेज है। जाट कम्युनिटी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो मुरसान के राजा थे, 1886 में जिनका जन्म हुआ और उन्होंने सिविल लाइन इलाके में कहा जाता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी है उसमें एक बड़ा हिस्सा उनकी दान की हुई ज़मीन का है। उन्होंने 1909 में प्रेम विद्यालय जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पूरे देश का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उन्हीं की ज़मीन पर बना था। तो ऐसे में कहा जाता है कि प्री इंडिपेंडेंस उनका जो रोल रहा, 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में जाकर एक पूरी तरह से अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था, लेकिन इतिहास ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, वो एक शिक्षाविद थे, वो कहा जाए एक तरह से एक लेखक थे और लगातार वो उन्होंने देश के बाहर 31 साल 8 महीने रहकर बाहर रहकर उन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार की जो नींव है उसको हिलाते रहे लगातार और यही वजह रहा कि कई सारी सरकारें जब स्वाधीनता संग्राम से पहले यानी आज़ादी से पहले जो कई सारी सरकारें लगातार देशों की सरकारें अंग्रेजों के खिलाफ जो लगातार कहा जाए हिंदुस्तान के लोगों के समर्थन में जो लगातार कमेंट दे रही थी या लगातार सपोर्ट कर रही थी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह की एक बड़ी स्ट्रेटजी थी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन राजा महेंद्र सिंह को आज़ादी के बाद क्या मिला,
वो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो मथुरा से भी सांसद रहे, बिल्कुल लेकिन क्योंकि वो सम्मान देने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इसके साथ ही साथ जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इसके सियासी मायने भी हैं। हालांकि कितना फायदा होगा ये भी देखेंगे, लेकिन आपने जिक्र किया कि युवाओं को शिक्षा और देश को सुरक्षा, इसी कड़ी में डिफेंस कॉरिडोर का भी कार्यक्रम है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या फायदा इसका होगा, विस्तार से बताइएगा अविनाश। देखिए जय अगर बात करें तो 21 फरवरी 2018 को लखनऊ के अंदर सबसे पहले डिफेंस समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और जो निर्यात अब तक भारत करता है रक्षा के क्षेत्रों में, उसका उत्पादन भारत के अंदर ही होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की 6 जगह को चिन्हित किया गया था, जिसमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट और झांसी, ये 6 जगह को चुना गया था। जिनमें अगर बात करें तो अलीगढ़ में जो डिफेंस कॉरिडोर का तमाम सारे भूमि आवंटन था उसका काम पूरा कर लिया गया। 19 कंपनियों को यहाँ पे जमीन अलॉट की गई है जो कि अपनी अपने उत्पादन इकाइयाँ लगाएंगी और लगभग 1245 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मंच सजाया गया, मैं चाहूँगा दिखाएं कैमरा पर्सन, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी भी शुरुआत करेंगे। 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ से हो रहे हैं। पहला कार्यक्रम अगर बात करें तो जिस तरीके से जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा, तो वहीं दूसरा जो डिफेंस इकाई है जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के अंदर देखा था, डिफेंस समिट के अंदर देखा था, उसको जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा और अलीगढ़ से इसकी शुरुआत हो रही है। बाकी उत्तर प्रदेश के जो 5 अन्य परिक्षेत्र हैं वहां पे भी जमीन एकत्रित की जा रही है तमाम सारे लोगों से, किसानों से, और उसको धीरे धीरे उद्योगपतियों को अलॉट की जाएगी जो कि डिफेंस के क्षेत्र में उत्पादन करेंगे। सिक्योरिटी यहां पे काफी चौकस की गई है, RAF को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान को तैनात किया गया, CRPF के जवान को तैनात किया गया। मंच के चारों ओर इस तरीके से एक घेरा बनाया गया, जैसे कि आप देख रही है कि तस्वीरों में खड़े हैं RAF के जवान पूरे जो इस परिसर में है जहां से मंच की अगर बात करें उस मैदान को इस RAF ने इस तरीके से घेरा बनाकर कवर किया हुआ है कि जिससे कि पूरी सुरक्षा चाक चौबंद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे यहां पर आएंगे और खुद उन्होंने कल ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वो अलीगढ़ आ रहे हैं और 12 बजे यहां पे आके अगर बात करें तो फिर आगे के जो 2 कार्यक्रम है, सबसे पहले स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, उसके बाद फिर जो डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन आवंटित की गई है लोगों को, उसके जो उत्पादन इकाइयां हैं उसको लेकर वो उद्घाटन यहां पे करेंगे। हालांकि जिस तरीके से यहां पे निर्माण होना है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर को लेकर हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर हो, दोनों के जो मॉडल है वो वही मंच के पास रखे गए हैं जिसको प्रधानमंत्री बिल्कुल अविनाश जी की बड़ी उपलब्धि में से शामिल करने आदित्यनाथ ने भी देखा था, लेकिन करने की कवायद हम बीजेपी की देख रहे हैं और इसी वजह से कार्यक्रम की भव्य तैयारी जिसकी तस्वीरें आप दोनों के जरिए हमने देखी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।